हमारे पटवारी और कांगो संघ के अध्यक्ष व उनके पदाधिकारीगण जो है मुझे मिले हैं, इनकी विभिन्न मांगों को लेकर इन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है। इसमें मुख्यतः जो है एक जो अभी हाल में लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो संशोधन हुआ है उसको लेकर इनकी कुछ जो है समस्याएं हैं, कुछ शंकाएं भी है। इस बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि इनसे काफी हमने जो है विचार विमर्श किया है और हमने इनको आश्वासन दिया है कि जो हमने इसमें एक समय सीमा चाहे डिमार्केशन का है, म्यूटेशन का है, तकसीम का है, वो निर्धारित किया है और उस समय सीमा में अगर कार्य पूर्ण नहीं होता है तो उसमें जो नया संशोधन हुआ है, जो बिल हमने विधानसभा में पास किया है, उसमें ये प्रावधान किया है कि अगर समय सीमा के बाद जो अतिरिक्त समय देने के बावजूद भी अगर कोई अधिकारी अपने लेवल पर किसी भी जो म्यूटेशन डिमार्केशन तकसीमों में अगर वो देरी विलंब करते हैं तो उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई करने का प्रावधान किया है। तो ये जो बात को लेकर ये जो इनकी आकांक्षाएं हैं या जो इनकी जो एक समस्या सोच रहे हैं उस पर मैं इनको ये विश्वास दिला रहा हूं कि हमारा जो ये जो संशोधन है ये किसी अधिकारी कर्मचारी को बेवजह तंग करने का नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम सबने मिलकर जो है जनता को जो है उनको समय सीमा पर उनको सेवाएं देना है। तो और ये भी हमारी तरफ से इनको आश्वासन है कि नजायज किसी को तंग करने का इस संशोधन में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है। और दूसरी बात जो ये चाह रहे हैं कि इनके बारे में जो और इनकी जो कुछ मांगे हैं, कुछ इनकी समस्याएं हैं, उसके लिए अलग से ये बैठक करना चाहते हैं। तो इनको मैंने ये कहा है कि नवंबर महीने में हम जो है इनके साथ एक जो अलग से बैठक रखेंगे और जो भी इनकी समस्याएं हैं या कुछ नई मांगे हैं उनके बारे में हम जो है विचार विमर्श करेंगे। अभी अगर स्टाफ का पोजीशन देखा जाए तो मेरे पास इस समय जो है पटवारी के जो है बहुत ज्यादा पद खाली नहीं है, परंतु रिटायरमेंट होता है, प्रमोशन होता है, उससे खाली हो जाता है। इसलिए अभी 800 पटवारियों के ट्रेनिंग के लिए हमें जो है मंजूरी मिल गई है। पिछली सरकार को चाहिए था टाइम से पटवारियों का जो है ये ट्रेनिंग शुरू करते। अब पटवारी एक दिन में तो तैयार नहीं होंगे, 2 साल की ट्रेनिंग है तो 2 साल में गैप तो हो गए होगा। पटवारी ट्रेनिंग होके ही आएंगे तभी पटवारी लगेंगे और कानवोज डायरेक्ट लगते नहीं है, ये पटवारी से जो है प्रमोशन पे होता है। तो हमारे पास अभी जो है कोई 170-180 कानवोज की कमी है, पर हम जो है पटवारियों को रिलैक्सेशन देकर उनको जो है कानवो बनाने की भी जो है विचार दिन है हमारे। उसमें हमने जो आपको कहा है कि हम कानवो बनाएंगे, कुछ रिलैक्सेशन दे के बनाएंगे और जो भी हमें करना पड़ेगा बीच में स्टॉप गैप अरेंजमेंट करेंगे हम, पर हम जो है ट्रेनिंग को जो है तेजी से शुरू करेंगे। शुरू करें। मैं सतीश चौधरी, राज्य अध्यक्ष संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ हिमाचल प्रदेश, आप सब बंधुओं का, प्रेस बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हम माननीय राजस्व मंत्री महोदय से मिले हैं, हमारी लंबत समय से मांगे चली हुई थी। धरातल पे हमारे पास पटवारी नहीं है, कानूनगो नहीं है और हाल ही में जो सरकार एक संशोधन लेके आई रेवेन्यू एक्ट में, वो समय अवधि का था, उसमें हमारा था कि धरातल पे हमारे पास पटवारियों की कमी है, कानूनगो की कमी है और जो सपोर्ट से रिलेटेड काम होते हैं वो बरसात में नहीं होते, बर्फ में नहीं होते, घास में नहीं होते, फसल में नहीं होते, तो आप तय समय कैसे करते हैं, हमें एक बार सुनो तो सही। उस उपलक्ष्य में हमने सरकार को अवगत कराने की कोशिश की, माननीय विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले, राजस्व मंत्री महोदय से मिले, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मिले, फिर भी विधेयक पास हो गया कि हमें सरकार से बहुत बड़ी आश्वासन मिला है। जैसे उन्होंने बोला जो कानूनगो है उनकी जो नियमित सेवा साल है 6 साल होनी चाहिए, तो आज इन्होंने माना है कि उसमें हम छूट देके कानूनगो जल्दी बनाएंगे। जो ट्रेनिंग का बैच बैठा है 874 का, उसको जल्दी ट्रेनिंग कराएंगे, तो एक दिन में तो पटवारी कानूनगो नहीं बनता। तो हम बात इनकी समझते हैं और हम ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारे कामों का चार्ट बनाया जाए, जो नॉन रेवेन्यू काम है उनसे छटा दो हमें, हम रेवेन्यू का काम करते हैं, आपके डेटा की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हम मिलके काम करेंगे। तो यही मेरा आप सभी से